वापस गा सकता हूँ मैं इसके लिए। अरे यार ये रुक इंग्लिश जाए गाना वो मैं रुक गाना सुनते सुनते गाते तो जाए अच्छा लगता है, रुक ऐसे सुनूंगा तो फटे आएगी मेरी, मत करियो। अब मुझे अपना गाना कंटिन्यू करने दे। जाए। अरे ब्रो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, बट मेरी इज्जत का ख्याल रख ले भाई, इंग्लिश गाना है। हे गाइस वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो यार आज के इस एपिसोड में पता है हम क्या करने वाले हैं। सो फिलहाल मैंने एक बॉस को हराया था एंड वो बॉस मेरे को थोड़ा अलग लगा, मतलब उसकी जो एबिलिटीज थी वो सब अलग थी। तो मैं सोच रहा था कि आपको शो कर दूँ ठीक है वो बॉस कैसा है। एंड मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे मेरे वोल्केनो माउंटेन पे, मेटल फार्म कर रहा था बिकॉज मेटल की बहुत कमी हो रही थी। एंड देख सकते हो मैंने कितना सारा मेटल एंकाइलस फार्म कर लिया ठीक है, और मेरे पास बहुत सारा मेटल यहाँ पे जमा हो चुका है। एंड मैं कुछ तगड़ी चीज़ करने वाला हूँ ठीक है मेटल के साथ, तो आपको भी देखने को बहुत मज़ा आएगा ठीक है। तो आज के एपिसोड में हम डोडो बीटस को लाने वाले जो कि बॉस है ठीक है, और ये जो बॉस है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है जो आपको मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्राइंडर है मेरे पास, तो ये क्या करता है जैसे आप इसको टर्न ऑन करते हो और इसको मतलब क्रिस्टल ये सब मिलता है, ये आप इसको ग्राइंड करते हो तो इससे जो रिसोर्सेज मिलता है इससे हाफ अपने को रिसोर्सेज वापस मिल जाता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है मेरे पास। वो सल्फर वो चीज़ वो कितनी सारी आ गई मुझे नहीं पता, बहुत सारी आ चुकी है। एंड भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास खजाना बना पा रहा है स्ट्रॉन्ग के उसे ट्रीब्यूट कर करके। एंड चलो अभी करते हैं। और फैब्रिकेटर में अपने पास बहुत सारा ऑब्सीडियन पड़ा है तो जाके हम पॉलीमर बना सके ठीक है। एंड एक और चीज़ अपने को एक ट्राई करनी है ठीक है, जो आपको बता चाहता हूँ ठीक है। यही पे पास में जो अपना ऑब्सीडियन आइलैंड है जहाँ पे ऑब्सीडियन बहुत सारा मिलता है, मतलब जो गीगा आइलैंड है ठीक है, गीगा आइलैंड है, गीगा माउंटेन है ठीक है, तो वहाँ पे एक मैंने गीगा स्पॉट करके गया, आपको दिखा देता हूँ। चलो फटाफट टेलीपोर्ट मारते हैं वहाँ पे ठीक है। सो लेट्स गो एंड टेलीपोर्ट इट, मस्ती करो, टेलीपोर्ट नहीं है। ओके हम आ चुके हैं वहाँ पे। एंड देख सकते हो यहाँ पे एक नीचे गीगा दिखा था मेरे को, एंड ओरा देखो वहाँ पे नीचे घूम रहा है। तो ये गीगा है जो कि हम टेम करने वाले, एंड ये आई थिंक 165 लेवल का है, फीमेल है, तो अपने को मेल की एक फीमेल मिल गई है, तो इसको हम शायद हम टेम में करने वाले नहीं भी कर सकते लेकिन चलो कोई बात नहीं। एंड अभी तक जिन लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हम चलते फटाफट डंजन के अंदर एंड हराते हैं डोडो बीटर्स को। कैसे हराते मैं आपको इजिएस्ट बताऊंगा ठीक है। सो लेट्स गो इन डंजन, सब्सक्राइब करो चैनल को और नोटिफिकेशन पे कॉल पे कर दो ठीक है। एंड भाई डंजन पे टेलीपोर्ट कैसे मारते हैं यार, कैसे मारूं डंजन पे टेलीपोर्ट। ओके सो मार चुके गाइस बेस टेलीपोर्टर, बॉस टेलीपोर्टर, ओके सो मुझे आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, बॉस टेलीपोर्टर के सामने आ चुके हैं। एंड एंटर करते हैं बॉस एरिना में। एंड भाई साहब डोडो बीटर्स का जो एरिया है ये काफ़ी मतलब से चिड़ियों पंखों से भरा पड़ा है। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस डोडो बीटस बॉस ठीक है, मैं सबसे पहले मैं आपको बॉस कहता हूँ बॉस कैसा ठीक है। ये बॉस एकदम हार्ड बॉस इसमें से काउंट होता है बिकॉज ये बहुत खतरनाक बॉस है। एंड ये भाई साहब डोडो है ठीक है, और ये अंडे फेंकता है ऐसे उसकी एबिलिटी। एंड भाई साहब मैं आपको पहले बता दूँ इस बॉस के आप करीब जाने की ट्राई मत करना ठीक है, इस बॉस के आप करीब जाने की ट्राई मत करना। एंड इस एरिया में आपको डोडो फेदर भी मिलते जाएंगे जमीन पे गिरे हुए, तो वो भी लूट लेना आप अगर लूट सको तो ठीक है। एंड आपको डोडो बीटस को पता है कैसे मारना है इसको, आप डोडो बीटस को ऐसे मारना है आप लोग को लॉन्ग रेंज करना है, आपको शॉर्ट रेंज नहीं करना ठीक है। और ये एक थोड़ी थोड़ी देर में भागता रहता है अपने से बिकॉज आई डोंट नो उसको क्या होते रहता है, उसको लगता है भी मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन एनीवेज इससे आपको दूर ही रहना है क्योंकि ये बॉस है वन शॉट किल ठीक है। तो ये बॉस अपने को वन शॉट किल कर सकता है, मतलब आप समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये अंडे क्यों फेंक रहा है भाई, अंडे नहीं चाहिए यार। और ये बॉस वन शॉट है एंड आपको बताता हूँ कैसे वन शॉट आपको करता है ठीक है। तो सबसे पहले वो बताए आपको फंसाता है और वो जा लेना वो ट्रैप, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एकदम सिंपल वैसे ठीक है। तो आप जैसे इसके पास जाके इसको मारते हो ठीक है, तो ये स्टन करता है ठीक है, स्टन जो बोलना है आपको वो कर देता है। वो अभी मैं नहीं हुआ हूँ, वो एक्चुअली इज़ गुड, मैं नहीं हुआ हूँ ठीक है स्टन। एंड ये क्या है भाई, फोकल चिली, ओके फोकल चिली का, अरे यार अंडे फेंकना बंद करेगा या तू, अंडे से भाई टॉर पर थोड़ा चढ़ जाता है एंड इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इसको मैं तो कंपाउंड बो से मार रहा हूँ, अगर मेरे कंपाउंड बो का डैमेज नहीं पता, मैं कंपाउंड का डैमेज 770 आई थिंक इसके आसपास है। अभी मैं शॉटगन से मारने वाला हूँ बिकॉज उससे थोड़ा डैमेज कम पड़ा था, शॉटगन से मैं थोड़ा सा मीडियम रेंज कर रहा हूँ ठीक है, मतलब लॉन्ग रेंज भी नहीं शॉर्ट रेंज भी नहीं। एंड इससे आप शॉर्ट रेंज ना ही करें एंड ये स्टन कर देता है, वही मैं बोला आपको स्टन कर देता है। स्टन करने के बाद भाई अगर आप उसको एक भी मारोगे ना तो भाई वो आपको वन शॉट करके चला जाएगा। एंड मतलब ये बॉस बॉस तो मतलब इजी, आपके ऊपर डिपेंड है आपको बॉस को इजी कराना है फिर डिफिकल्ट कराना है। मतलब आप जैसे इसको अगर आप क्लोज रेंज फाइट लोगे तो आपको यार ये बॉस हार जाएगा, एंड अगर आप लॉन्ग रेंज फाइट लेते हो
तो ये बॉस आपके लिए एकदम इजी जाने वाला है, बिकॉज लॉन्ग रेंज में यार ये कुछ नहीं कर पाएगा। एंड बस इसके स्टन से बच के रहना, अगर आप स्टन कर लेता है और आप स्टन हो जाते हो, तो स्टन होते हो तो क्या पता है क्या होता है, आप जगह से हिल नहीं पाते हो एंड वो आके आपको वन शॉट आराम से करके जा सकता है। तो बस इसे आप पास ना जाओ, ये पास जाके स्टन कर देता है एंड आई कि मैं इसके ज़्यादा पास चल गया हूँ, मैं बच गया हूँ। ओके मैं एकदम कड़क वाला बच्चा, ओ देखो मैं स्टन हो गया हूँ। अभी देखो इस टाइम आपको भाई, इस टाइम आपको पता है क्या करना है, इस टाइम आपको उसको मारना नहीं, ठीक है? अगर आप स्टन के टाइम उसको मारोगे ना तो भाई आप कंफर्म मर जाओगे। मैं आपको इजी वे बताता हूँ, देखो अभी कान खोल के सुनो इस बॉस को कैसे रहना। देखो आप स्टन हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, आप स्टन हो गए ठीक है। बस आपको स्टन हो गए ना, आपको अकड़ नहीं दिखानी, अकड़ मतलब आप उसको मारना नहीं, ठीक है? जब तक आप स्टन हो उसको मारना भी मत, ठीक है? सोचना भी मत मारने का। अगर आप उसको मारते हो तो आपको एग्रो हो जाता है आप पे एंड भाई आपको आके वन शॉट करके चला जाता है, और कुछ नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा यार मेरे कैरेक्टर दौड़ के नहीं रहा, मैं फिर से स्टन हो गया। देखो अब इसको मैं मारना नहीं, देखो ना अपन नहीं मारोगे तो ये अपने से भागेगा, बिकॉज ये एक डोडो, ठीक है? डोडो अपने से भागता है, ठीक है? एंड जैसे स्टन छूटता है आप भाग जाना, ठीक है? इजिएस्ट वे टू डिफीट दिस बॉस, बहुत प्यारा बॉस है, मतलब नल्ला है क्या बोले इसको, डंडे भाई ये क्या ही फेंकता है यार। ओके काश कि आपको हॉलने मिल सकते हैं। एंड पता ये डोडो, पता ये डोडो नहीं है, ये जाइंट डोडो है, मतलब इसको ऐसे ही ये मेरी इमेजिनेशन, ठीक है? आप खुद पे मत लेना, ठीक है? इसको डोडो कल्टीवेटर वल्टीवेटर सब कुछ लगाए तो भाई साहब क्या ओपी दिख रहा है ये। एंड ये तो भाई है, मतलब आपके ऊपर है इजी हार्ड, ये मेरी सबसे तो बहुत ईजी बॉस है पर, लेकिन ये हार्ड बॉस में से है, ठीक है? क्योंकि ये वन शॉट बॉस है। ओके इसको फटाफट हरा देते, इसकी 19 के हेल्थ अभी भी 18 के हो गई, चलो फटाफट इसको हरा देते। एंड गाइस मैं आपको एक एपिसोड लेके आना हूँ, ठीक है? और वो एपिसोड में पता है मेरा पता एक सीन हो गया है, जो अपन ब्रीडिंग एंड म्यूटेशन के ऊपर एपिसोड बनाते हैं, मतलब एग हैच करते हैं, तो मेरे को एक कन्फ्यूजन है उसमें से, पेरेंट्स एक होने चाहिए या फिर अलग अलग होने चाहिए, या मुझको नहीं, अभी मैं कन्फ्यूज हूँ, बिकॉज मैं मतलब बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूँ एंड मेरे को खुद से समझ आया, मैं खुद से किया था, ठीक है? लेकिन चलो देखते हैं, मैंने बहुत सारे एक अर्जेंटेज कलेक्ट कर लिए, ठीक है? एंड अभी बाद में देखेंगे, अगले एपिसोड में हम ब्रीडिंग एंड म्यूट्रिशन के ऊपर उसका एपिसोड बनाएंगे, देखते हैं अपने म्यूट्रिशन मिलता है कि नहीं, ठीक है? तो आपको उसके ऊपर अगला एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो में होने चाहिए एक 400 लाइक्स, फटाफट से कर दो 400 लाइक्स। एंड इसको भी फिलहाल मार देते, इसको डोडो भी है भाई, डोडो इसके बच्चे बहुत सारे हैं भाई, जब डोडो फेदर भी मिलता रहता है यार मुझे अब तक। अरे यार फिर से स्टन हो गया भाई, तू जा तू आ भी मत इधर, स्टन हो जाए इसको मारना नहीं गाइस, अगर आप इसको मारोगे तो यार हो जाएगा फिर। ओके एंड ये देख सकते हो यहाँ पे भाई साहब इसके डोडो कितने सारे यार, सेविंग बीच में यार बहुत से आता है यार, सेविंग मतलब हद है भाई सेविंग की भी भाई। ओके का अच्छा इसके बीच बहुत कम हेल्थ है यानी मरने वाला है एंड ओके इट्स डन इजी बॉस। एंड इनको तो मैं ऐसे ही मार दूँ, ये वो तो वन शॉट होंगे नहीं क्योंकि ये तो नल्ले है। ओके गाइस हम अभी आपको दिखा दूँ डोडो फीदर है कि नहीं, मतलब मेरे को तो एक बार मिला था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, बिकॉज मिलते रहते यार डोडो फीदर यहाँ पे, ये भी इनके मिनियंस भी तो इनके देखो नीचे डोडो फीदर था, मैंने उठाया नहीं, मैं पागल हो गया था तभी, नीचे डोडो फीदर था मैंने उठाया क्यों नहीं यार। ओके ये भाई तू कहाँ छुपे, वो अंडे देख रहे हो कितने अंडे, और भाई साहब अंडे अंडे तू भी मर जा। ओके हो चुके हैं हम बस टेली डोडो, देखो डोडो फेदर कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे कहाँ पे, ये रहा देखो यहाँ पे डोडो फेदर होते तो ये आप उठा सकते, आप एक दो ही मिलते, ज़्यादा मिलते हैं नहीं एंड इस एग को तो हम उठा नहीं सकते। सो चलते अपन टेलीपोर्ट मारते बाहर की साइड, ठीक है? एंड मिलते आपको वहीं पे। एंड गाइज हम आ चुके हैं अपने नॉक्टिस के ऊपर एंड नॉक्टिस अपना है यूपी एंड लेट्स गो। एंड गाइज आपको होप आपको मजा आएगा इस एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता है किसके ऊपर होने वाला है, अगर आप 400 लाइक कंप्लीट कर देते हो ठीक है तो उस अपन अंडे हैच करने वाले, बहुत सारे अंडे अपने पास, बहुत 14-15 बहुत मतलब 100-200 नहीं है, उतने नहीं है भैया, उतने फट जाएगी सोलो में, एक तो गॉड कॉन्सल भी नहीं मेरे पास, ठीक है? तो लेट्स गो एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए गाइस 400 लाइक्स एंड डिस्कॉर्ड अब तक ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे 400 मेंबर्स होने वाले, फटाफट ज्वाइन कर लो डिस्कॉर्ड को, है कर लो ज्वाइन फटाफट डिस्कॉर्ड को। एंड गाइस अभी हम मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? अभी और कुछ टाइम पास करना नहीं है वो, ठीक है? हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू लेटर मिस एंड बाय बाय।